अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ फिरना। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमत के साए में रखें, आमीन सुमामी। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सबसे पहले रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और मज़े मज़े के व्लॉग एंजॉय करें। तो जी, मेरी तरफ से मेरी प्यारी प्यारी फैमिली, यूट्यूब फैमिली को जुम्मा मुबारक, बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और जी, मैं बना रही हूँ जुम्मा के दिन टिंडी का सालन। साथ में जी, खाना तो हम लोगों ने खा लिया लेकिन सालन बन रहा है। अभी सालन बड़ा हुआ था उसके साथ हमने खाना खा लिया है, रोटी बनाई है और वो खा लिए। और अभी साथ चाय बन रही है और सालन बना रही हूँ शाम के लिए, क्योंकि गैस थोड़ी लेट आती है तो भूख लग भी जाए तो रोटी मंगवा ली जाती है बाहर से, और सालन बना हुआ हो तो फिर साथ गर्म कर लिया जाता है। तो जी, ये सालन बन चुका है, रेडी है। अब मैं ये डन हो चुका है, इसको मैं करती हूँ फ्लेम ऑफ करती हूँ और बंद कर देती हूँ। साथ में जी चाय बन रही है और मैं चाय अभी कप में डालती हूँ और जी पीते हैं हम लोग चाय। और साथ में आप लोगों को दिखाऊंगी जी शॉपिंग, जो के शॉपिंग तो मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, सॉरी। और अभी मैं वो दिखाऊंगी जो कपड़े स्टिच होके आ चुके हैं दर्जी से मेरे, और अबाया दिखाऊंगी जो कि मैंने वॉश करके प्रेस करके वो भी मैंने रख लिए हैं। बैग मेरा रेडी हो रहा है साथ साथ, तो वो मैं घर के काम भी साथ साथ निपटा रही हूँ क्योंकि बच्चे हैं, आगे रोज़े आ जाएंगे माशाल्लाह से, तो फिर बच्चों से ये काम नहीं हुआ होगा। क्योंकि सर्दियों के कपड़े टोटली मैंने रख दिए हैं, बच्चों के गर्मियों के कपड़े निकाल दिए हैं, और सेटिंग वगैरह भी कमरे की चेंज की है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अभी। तो जी, ये ले मैंने इस रूम की भी सेटिंग चेंज कर दी है और गर्मियों की सेटिंग हो चुकी है इस रूम, क्योंकि ये पर्दा वगैरह खुल जाता है, हवादार रूम हो जाता है। ये देखें, इधर विंडो है, ये देखें, और वो सामने जी ये सेटिंग मैंने सारी इस रूम की इस तरह की कर दी है। इस तरह से ना हवादार सा कमरा हो गया। सर्दियों में मैंने पर्दे के यानी कि पर्दा पीछे था और बेड आगे कर दिया था, और अब गर्मियों में इस तरह हो जाता है, हवादार कमरा हो जाता है, पर्दे खोल देते हैं शाम को और खुला हवादार हो जाता है। चलते हैं दूसरे रूम में, और इस रूम की भी ऐसी सेटिंग हो चुकी है, ये देखिए जी, इस रूम की भी सेटिंग इस तरह की कर दी है, लेकिन इसका पर्दा भी बंद है। ये जो प्लंग है ये साथ जुड़ेंगे। गर्मियों की सेटिंग कुछ इस तरह की होती है क्योंकि पर्दे खुलते हैं और पर्दों से हवा खुलने से हवादार कमरे हो जाते हैं। तो चलिए जी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो कि मेरी कपड़े स्टिच होके आ चुके हैं, और मैं ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं करूँगी। और जी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह के घर जाने की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से हो रही हैं। कपड़े सिल के आ गए हैं, अबाए धुल गए हैं, प्रेस हो गए हैं, रख दिए हैं। चलिए जी, मैं आपको आज दिखाती हूँ, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर भी करती हूँ। चलें जी, बैग खोलते हैं। ये मैंने अभी रात को सेटिंग की थी, कुछ मास्क मैंने ऐसे लिए हैं, और ये अबाया है मेरा, ये डबल मेरा अबाया है, ब्लू और वाइट कलर का, नीचे से ये इस तरह का है, और एक ये मेरा पिंक है अबाया, इसको मैंने धो के अभी रखा है साथ में। और जो दर्जी से कपड़े सिल के हैं कुछ इस तरह के हैं सूट, जो कि मैंने दुपट्टों के साथ हैं वो मैंने रखे हैं एक, और ये दो, और ये वाइट जो कि उम्रे के लिए है जो मैं पहनूंगी, ये भी स्टिच होकर आ गया है। इसकी हल्की सी लेस लगी हुई है गले के ऊपर वाइट कलर का। और जी ये है सूट, ये मैंने स्टिच करवाए हैं, ये मेरे पहले के स्टिच हुए पड़े थे, ये और ये वाला मेरे पहले का स्टिच हुआ पड़ा था, और ये वाला जो मैंने उम्रे का आप लोगों के साथ शेयर किया था ये मैंने अभी स्टिच करवाया है। और ये अबाया है मेरे, और बाकी मैंने ये टू पीस, ये देखें, एक ये पैरट ब्लैक कलर का है, और एक ये है हल्का हल्के से जो मैंने ना ऊपर लेसेस वगैरह लगवाई हैं, और एक ये कलर है मेरा सूट का, और जी एक ये पिंक है, ये वाला पिंक, और एक वो ब्लू है। ये मैंने प्रेस किए हुए, अब मैं ऐसे निकाला नहीं जा रहा कि प्रेस किए हुए निकालूंगी तो फिर प्रेस करने जो है ख़राब हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि ऐसे ही मैं आप लोगों को अपना बैग दिखाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। जी ये मेरी चीज़ें हैं, ये मैंने ऐसे रख दी हैं, और ये अबाया है मेरे, तो ये बैग मैंने बाहर निकाल के रख दिया है, इसमें मैं चीज़ें वगैरह डालूँगी अपनी। तो ये देखिए, तो
यही थी जी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन जरूर प्रेस करना ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और मज़े मज़े के व्लॉग एंजॉय करें। तो जी मैं अल्लाह पाक के घर जाने की तैयारियाँ कर रही हूँ, और आप लोगों को मेरी तैयारियाँ कैसी लगी, अबाया कैसे लगे मेरे सूट, और इस अगर इनमें से कोई कमी पेशी है तो आप मुझे बताइएगा कि हमें मुझे और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हाँ चप्पलें लेनी है अभी, वो नहीं अभी ली, वो लूँगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब बैग में रखूँगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है लाइफ ऑफ फिरना के नाम पर, प्लीज़ वहाँ पर भी जाकर जल्दी से फॉलो कर लें।